निर्माता या यूं कहे देश के सर्वोच्च स्थान से नवाजे गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा के साथ गोंदिया विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल ने किया है प्रतिमा का अनादर। हाल ही में 4 अक्टूबर के दिन नामांकन दाखिल करने के लिए उच्च जाति के विधायक उम्मीदवार गोपाल अग्रवाल इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा को हार चढ़ाने के लिए जूते पहनकर ही हार चढ़ाकर किया प्रतिमा का अनादर। जैसा कि सत्ता की भूख और सत्ता की ललक आदमी को बददिमाग और अंधा कर देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा के प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल है। 4 अक्टूबर को गोंदिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल सीधे जूते पहनकर ही चल पड़े। बाबा साहब की प्रतिमा का हुआ है अनादर, जिसके चलते गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के बाबा साहब के अनुयायी हो गए हैं गोपाल अग्रवाल से असंतोष। बाबा साहब को मानने वाले विधानसभा उम्मीदवार को अपना वोट ना देकर अपनी नाराजगी उन्हें दिखाएंगे, जिसके चलते गोपाल अग्रवाल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों से अपना वीडियो जाहिर माफी मांगते हुए वीडियो जाहिर किया है। कल दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को मेरी नामांकन रैली जब परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंची, तो मुझे ये बताया गया कि नामांकन भरने के लिए मात्र 10 मिनट शेष बचे हैं और इसलिए हड़बड़ी में मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं संपूर्ण नागरिक बंधुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। घटी घटना के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं जो कल जाने अनजाने में हो गया और कभी भविष्य में हो नहीं सकता। मेरे मन में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रति आदर भाव है, सम्मान है। दलितों को न्याय देने वाले एक मसीहा के रूप में वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मैं उनके विचारों का हमेशा मैंने समर्थन किया है और संविधान के प्रणेता जिन्होंने देश के सर्वसामान्य दलित पीड़ित शोषित समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज को न्याय देने का काम किया, उनके चरणों में से जो घटना घटी है उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।